पेलिकन प्रिंटिंग मशीन को ऑटो में कैसे डालते हैं, जॉब सेट कैसे करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स पल्स को कैसे सर्च करते हैं, पल्स की सही पोजीशन कैसे सेट करते हैं। जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें। यहाँ फाइल पे क्लिक करके हम किसी भी जॉब को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कोई जॉब सेव अगर है तो उसको चलाना है तो यहाँ से जॉब को रिकॉल करते हैं। अगर नया जॉब बनाना है तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई डॉक्टर के नाम का भी जॉब चलाना है, इसको लिख कर सेव करते हैं। उसके बाद इसमें नीचे डालेंगे कितने रुपये या कितने ग्राम का है। यहाँ से मान लीजिए वो 5 रुपये का है तो उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ से यूनिट का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ से हम यूनिट का सिलेक्शन करते हैं, मतलब कौन से यूनिट में कौन सा कलर चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, इस समय हम वैसे जनरली सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आपको जिस कलर का जॉब रहता है उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है। कलर को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद इसके बाद यहाँ पे हम सिलेंडर का सरगम डालते हैं कि क्या सिलेंडर का सरगम है। मान लीजिए 425 का सिलेंडर सरगम है। इसके बाद वो रन योर जॉब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आएगा डोंट यू सेव टू चेंज, जो मतलब जिसके पहले जो आपका जॉब चल रहा था उसे क्या आप चेंज करना चाहते हैं और इसे सेव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें करना है, बोल देंगे यस। तो उसके बाद जॉब रन करेंगे। रन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, थोड़ी देर के बाद सब कलर दिखने लगेगा। यहाँ से हम MPA घुमाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा MPA घूमने लगेगा। MPA देखिए घूमना शुरू हो गया। इसके बाद हम कैलकुलेट पे कर देंगे। MPA घूमने के बाद यह 0-0 हो जाएगा। उसके बाद हम मैन्युअली मिला के 20 mm की दूरी ला के ये सेंसर जो दिख रहा है इसको ऑटो ट्रम के सामने लगा के इसके बाद हम आ जाएंगे पैनल पे। पैनल पे आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हमारा फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। अगर मान लीजिए हमारा फॉरवर्ड चल रहा है, फॉरवर्ड में 12 से एन होता है और रिवर्स चलता है तो एन से 21 होता है। तो मान लीजिए हमने फॉरवर्ड चल रहा है तो 12 पे करने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ऑटो टर्म कौन सा चल रहा है, फ्लैटेड फर्स्ट चल रहा है या फ्लैटेड लास्ट, कौन से साइज का ऑटो टर्म चल रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम आ जाएंगे यूनिट पर। यहाँ यूनिट पर पल्स को सर्च करेंगे। पल्स को सर्च करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। पल्स मान लीजिए आ गया। पल्स को सही पोजीशन पे लाने के लिए हमें उस पर टिक करके एकदम पोजीशन पे सही कर लेना है। इसके बाद हम उसको 0 कर देंगे, साइड ले और लेंथ को 0 कर देंगे ताकि हमारा पल्स आके 0-0 सेलेक्ट हो जाए। चलिए हम इसको 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद यहाँ जो देख रहा है इसके बाद हमने ऑटो में कर दिया। ऑटो में डालते ही यह ब्लू हो गया। ऑटो जहाँ से डालते उस पर लाइट पड़ने के कारण आपको शायद स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा। यह मशीन अब पूरी तरह से ऑटो में चल रही है। किसी भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।